नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे 20 महत्वपूर्ण सूत्र बीजगणित अलजेब्रा का। दोस्तों, यहां पे परीक्षा में काफी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर 20 महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जिस सूत्र के हेल्प से आप अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। परीक्षा में सारे क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है ए प्लस बी को होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ इसकी जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं या कई बुक में इस तरह से भी रह सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही चीज है। ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख दीजिए या बाद में लिखिए, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखेंगे। तो एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूले आते हैं, एक ये भी इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी जो है ना, एट सेम आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी इसका जो है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस जो है आपका 4ab, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ए माइनस बी को होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे आएगा तो 4ab से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसमें से मैंने 2ab घट जाएगा, तो 2ab बचेगा जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसी तरह से ये दोनों ध्यान रखना है कि एक ही फॉर्मूले, एक ही आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपको ये फॉर्मूले यूज हो सकता है, कई जगह ये यूज हो सकता है। उसी तरह ए माइनस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, ये लिखिए, या नहीं तो आप इसको इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस 2ab भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका सेम फॉर्मूला एक और है, इसको भी ध्यान रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर का एक तरह का तो ये फॉर्मूला हो सकता है, एक टाइप का ये हो सकता है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो यानी फर्स्ट सेकेंड यानी एक हो गया, थर्ड और फोर्थ एक ही हो गया, यानी एक ही आइडेंटिटी का कई फॉर्मूले इस तरह से हम लिखा जा सकता है। तो ये दो आपके चार फॉर्मूले यहाँ पे है, तो दो ही, लेकिन इसको चार फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चार तरह से पॉइंट बना करके दिए ताकि आपको याद करने में आसान हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो देखो, इनके भी दो फॉर्मूले हैं, यानी हर में हम दो दो फॉर्मूले बताते जा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अगर टर्म लिखना हो, ए प्लस बी के टर्म लिखना है, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस आप 2ab लिख दीजिए, ये इस टर्म में हो गया। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना हो तो आप ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो ये भी आप फॉर्मूला एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है, उसके बाद ए प्लस बी दे दिया है, या कई बार क्या होगा कि 2ab निकालना होगा, कई बार ऐसा होगा ए प्लस बी दे देगा और 2ab ए बी दे देगा, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी इस तरह से निकाल लेंगे। जब ए माइनस बी देगा तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, ए प्लस बी देगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आप आइडेंटिटी देखते हैं, ये आइडेंटिटी नंबर 7, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो इस तरह सा, तो आप इसको सिंपली क्या कीजिए, यहां पर लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इस दोनों को एक बार ऐड कीजिए और प्रोडक्ट कीजिए ए माइनस बी के साथ, यानी ये दोनों को ऐड करना है एक बार दोनों को, और एक बार जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, नहीं कुछ होता तो मल्टीप्लाई होगा, आगे समय तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से आप इसको याद रखें। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपका दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखें। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू हो तो लिख लीजिएगा सिंपली यहाँ पे ए क्यू, सबसे पहले ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको ए प्लस बी का होल क्यू का दूसरी फॉर्मूला यानी दूसरी सूत्र ये भी आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab को a से तो 3a² b होगा, फिर 3ab² हो जाएगा,
ये सिंपली, यानी दोनों एक ही फॉर्मूला है आप, लेकिन नंबरिंग अलग हम इसलिए किए हैं, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं आप। दोस्तों इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, पॉइंट नंबर थर्ड। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये आप रखिए, या ए माइनस बी को होल क्यूब का अलग नेक्स्ट फॉर्मूला इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ए क्यू ठीक है माइनस थ्री ए, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या होगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और इसके बाद जो है माइनस बी क्यू, तो ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है आपके बीजगणित का। उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्या सूत्र होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लिख सकते हैं, देखिए एक तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, यहाँ प्लस है तो आप ए प्लस बी कर दीजिए, उसके बाद आप जो है ए स्क्वायर ठीक है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये लिख दीजिए, या नहीं तो आप अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का आप जो है होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये भी आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। तो ए इधर, अब ये दोनों आइडेंटिटीज आइडेंटिकल है, उसी तरह से ये दोनों आइडेंटिटी आइडेंटिकल है। नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको सिंपली इस तरह से देखिए, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ये माइनस है, इसीलिए सिंपली आप क्या करेंगे ए माइनस बी यहाँ लिखेंगे, उसके साथ साथ ए यहाँ पे सारी पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए प्लस होता तो यहाँ प्लस देते, यहाँ माइनस होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो यह स्टार्टिंग में माइनस बाकी में प्लस हो जाएगा। उसी आइडेंटिटी को हम दूसरे तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का आपका क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपका सेम है, दोनों एक ही जो है ए माइनस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी के दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, अलग अलग ये फॉर्मूले भी कहीं यूज हो जाएगा, कभी यही भी यहां भी यूज हो सकता है आपको। उसी तरह से आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ये इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो देखिए ए क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये लिखेंगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू ठीक है प्लस सी क्यू ठीक है, सॉरी इसको ऐसे मत कीजिए आप, इसको इस तरह दोस्तों उसको इरेज करके ये फॉर्मूला रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सॉरी इसको लिखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी सी, ये आइडेंटिटी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको सिंपली लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ठीक है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है, यानी तो आप ये एक और यूज कर सकते हैं, वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, इस आइडेंटिटी। तो अगर इसी आइडेंटिटी में, अगर कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इसी में इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो हो जाए, जब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो गया, तो जब ये जब जीरो हो जाएगा तो बाकी आगे का टर्म सारा जीरो, तो उस समय क्या होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इजकल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी सी, तो ये भी कई बार फॉर्मूला आपका यूज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आइडेंटिटी तो आपको याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये इंटू में होगा, ये यूज कर लीजिए, या वन बाय टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब दोस्तों फॉर्मूला नंबर जो है आपका 17, इसको हम ध्यान रखते हैं। क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे a प्लस बी का c प्लस का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यार ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऐसे कीजिए, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से यहां देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो देखिए जहां जहां c जाएगा ना वहां खाली निगेटिव कर देना है, जहां जहां c निगेटिव है ना तो जहां जहां c जाएगा वहां निगेटिव करना है। तो देखिए ए स्क्वायर तो होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, अब देखिए यहां पर निगेटिव माइनस सी का स्क्वायर फिर भी तो सी ही होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज यूजल लिखना। अब आगे जहां जहां सी जाएगा वहां निगेटिव करना है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 2ab, इसीलिए कि ए बी पॉजिटिव है, लेकिन फिर माइनस लिखेंगे 2bc, क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए bc में सी निगेटिव है, इसीलिए यहां भी निगेटिव है, तो मैं लिखूंगा 2ca। उसी तरह से इस फॉर्मूला के देखिए यहां पर b को निगेटिव करना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसी तरह इसलिए लिखेंगे कि निगेटिव कभी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता। अब निगेटिव कहां शुरुआत होगा, यहां से, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस 2ab लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि b निगेटिव है, फिर माइनस 2bc लिखेंगे क्योंकि b निगेटिव है, अब फिर 2ca, तो ca में तो सी बी और ए दोनों पॉजिटिव है इसलिए 2ca लिखूंगा मैं। उसी तरह यहां देखिए बी भी निगेटिव सी भी निगेटिव, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक तो सबको निगेटिव का भी स्क्वायर, क्योंकि देखिए होगा क्या माइनस बी का स्क्वायर होगा फिर माइनस सी का स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2ab लिखूंगा मैं, फिर माइनस 2bc लिखूंगा, तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो 2bc अब फिर माइनस 2ac, क्योंकि जो जो वहां पर निगेटिव होगा वहां निगेटिव जो जो दो बार निगेटिव हो जा रहा है वहां फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो इसी तरह से ये अलजबरा के जो है 20 महत्वपूर्ण ये जो फॉर्मूले है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये बीजगणित के 20 महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों हमारे करियर प्लेटफॉर्म की तरफ से। इसी तरह के बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक फॉर्मूले वगैरह सब हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।